अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि जी आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं माया गार्लिक सॉस, जो कि बनानी बहुत आसान है। इंग्रेडिएंट कुछ इस तरह से हैं। लहसुन ले लिया है मैंने चॉप, और उसके साथ पिंक सॉल्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। दो लेमन ले लिए हैं जिसका मैंने रस निकाल लिया है, और एक कप मैंने मायो ली है बिल्कुल सादी। और यहाँ पर मेरे पास है जी थिक क्रीम, पैकेट वाली भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल दूध की लेते हैं तो उससे अच्छी नहीं बनती, तो पैकेट वाली इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेस्ट है। सबसे पहले हम अदरक जो है आप बेशक चॉप कर लीजिए, चाहे उसको पेस्ट बना लीजिए, लेकिन शर्त यह है कि आप ताज़ा गार्लिक को लीजिए, ठीक है। और गार्लिक के साथ अब लेमन को मैं डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। लेमन जो है वो गार्लिक की जो तेज़ी होती है उसको थोड़ा सा कम कर देगा, इसलिए इन दोनों को साथ मिलाना ज़रूरी है। जो जो स्टेप मैं आपको बताती जा रही हूँ उसी तरह से फॉलो कीजिएगा। अब मैं इसमें एक कप जो है सादी मायोनीज डाल रही हूँ, ये देखिए, अच्छे से आप इसमें शामिल कर दीजिए। और हम इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, आराम आराम से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, ताकि लेमन, गार्लिक और हमारी जो मायो है वो एक यकजान हो जाए। ये देखिए स्मूथ टेक्सचर की तरफ आ गई है, कोई भी लम्स ऐसा नहीं है कि कोई गुठली बन रही है कुछ ऐसा। अब हम इसके साथ ही क्रीम को शामिल करते हैं। क्रीम अगर आपके पास बाज़ दफ़ा हम फ्रिज में रख देते हैं तो वो सख्त हो जाती है, थोड़ी फुटकियाँ सी बन जाती हैं, तो उसका बेहतरीन हाल ये होता है कि क्रीम को निकाल के आप आधा घंटा पहले फ्रिज से बाहर निकाल दें, ताकि वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए। या अगर आप जल्दी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसको पहले मिक्सर से मिक्स कर लीजिए क्रीम को, ताकि जो स्मूथ टेक्सचर उसका भी आ जाए, ताकि जो हमने अब गार्लिक सॉस बना रहे हैं उसमें लम्स, गुठलियाँ, कुछ इस तरह की चीज़ ना बने। अब मायो और क्रीम जो है हम लोगों की बिल्कुल जो है स्मूथ है, इसलिए हमें, मुझे कोई इतनी मुश्किल नहीं हुई उसको मिक्स करने में या उसको एक साथ कटाई करने में। लीजिए अब इसमें सॉल्ट शामिल कर रही हूँ, पिंक सॉल्ट। आप चाहे तो सादा नमक जो हम टेबल सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं वाइट वाला, वो भी डाल सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। लीजिए इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, आप चाहे तो विस्क की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं इसको, लेकिन मेरे लिए इस तरह करना आसान था तो मैंने, ये देखिए जी ज़बरदस्त सा टेक्सचर बन गया इसका, ठीक है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ट्रांसफर करते हुए एक बाउल में, मेरे पास था ये प्लास्टिक के बाउल्स मिलते हैं जिसे डिस्पोजेबल हम कह सकते हैं। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि आप इसको इसमें डाल के फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये जो मैक्सिमम आप गार्लिक सॉस है आप इसको 1 वीक तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह के एयर टाइट कोई भी बर्तन है, शीशे का है या प्लास्टिक का है, आप उसमें डाल के इसको फ्रिज में रख सकते हैं। ये तकरीबन 1 हफ्ते आप इसका शवारमा बनाएं, बारबेक्यू के साथ खाएं, किसी भी चीज़ के साथ इसको सर्व करें, ये आपको उतना ही मज़ा देगी, बिल्कुल फ्रेश, अमेजिंग और टेस्टी। अल्लाह हाफिज़।